everybody, good morning. Welcome to Swastik Education Campus. We are going to standard 2, subject Maths Magic. आज हम Maths Magic के कौन से बुक से पढ़ने वाले हैं? टेक्स्ट बुक इन Maths Magic for class 2, है ना? हम आज टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले हैं. टेक्स्ट बुक में हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? ओके? क्योंकि आप बार बार मुझसे क्वेश्चन करते हो कि मैम आपने कौन सी बुक से पढ़ा है, मैथ्स की टेक्स्ट बुक से पढ़ाया है या वर्क बुक से. तो मैं जब भी अब आपके लिए वीडियो सेंड करूंगी तो उसमें फ्रंट पेज आपकी बुक का दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैम ने आज इस वीडियो से बनाया है. और अगर जिस वीडियो से जैसे कि मैंने टेक्स्ट बुक का बनाया है तो आपको टेक्स्ट बुक का जो भी हो आपको नोटबुक में राइट डाउन करना होगा. ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ना है. देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 पार्ट 1 फुट प्रिंट. फुट मतलब क्या होता है? पैर. और पैर प्रिंट मीन्स छाप. तो पैरों के छाप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. भोलू एंड द फुट प्रिंट. अब इसमें क्या है? भोलू है और फुट प्रिंट है. ओके, तो इस चैप्टर में क्या है चलिए आगे हम देखते हैं. वन डे सम बेबीज एनिमल वे आर प्लेइंग ऑन द मडी रोड इन अ जंगल. एक दिन एनिमल्स के जो बच्चे हैं वो जंगल के मडी रोड में खेल रहे थे. ऑल ऑफ अ सडन एन एलिफेंट स्टूड, रन रन रन, गो टू योर होम. अचानक एलिफेंट आकर बोलता है कि भागो भागो, अपने घर को भागो. भोलू इज कमिंग टू शूट विथ हिज कैमरा. भोलू क्या कर रहा है? हमें कैमरे में शूट कर रहा है ना. जो एलिफेंट होते हैं, एलिफेंट होता है वो अचानक खेलते खेलते अचानक उसकी नज़र भोलू के शूटिंग पर पड़ जाती है. तो वो सभी एनिमल्स को बोलता है भागो भागो, अपने घर को भागो, क्योंकि जो भोलू है वो कैमरा लेके आ गया है हमें शूट करने के लिए. सो ऑल द बेबीज एनिमल रन वे. इसीलिए क्या होता है, सारे जो बेबीज एनिमल हैं वो घर की तरफ भागने लगते हैं. वेन भोलू कम विथ हिज कैमरा, ऑल ही सा वॉज द फुटप्रिंट ऑफ दिस एनिमल. जब भोलू वहाँ पर आता है जहाँ से एनिमल क्या होते हैं भाग जाते हैं विथ हिज कैमरा, अपना कैमरा लेके, ऑल ही सा वॉज, और वो देखता देखता क्या देखता है, क्या देखता था कि जो जहाँ से एनिमल्स भागे वहाँ पर क्या थी, फुटप्रिंट, पैरों के छाप, दिस एनिमल, सभी एनिमल्स के, है ना, जितने एनिमल वहाँ से भागे थे सभी का क्या था, फुटप्रिंट छपा हुआ था. कैन यू मैच द एनिमल्स विद देयर फुटप्रिंट. क्या आप मैच कर सकते हो कि ये कौन से एनिमल्स का फुटप्रिंट है? अभी देखिए यहाँ पर हमको एलिफेंट, कॉक, सॉरी हैं और फ्रॉग और टाइगर का दिखा रहा है. तो आप देखिए इनमें से कौन सा पैरों का छाप, ये बड़े बड़े मोटे मोटे छाप है, ये किसके हैं, एलिफेंट के. ये किसके हैं, फोर फिंगर वाले दिखाई दे रहे हैं, ये फ्रॉग के. ये किसका है, टाइगर का. और ये किसका है, हैन का. तो इस तरह देखो हमने गैस किया और मैचिंग कर ली कि कौन सा फुटप्रिंट किसका है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. ड्रा द फुटप्रिंट ऑफ द डॉग इन हिज बॉक्स. आपको मैं ये होमवर्क दे रही हूँ, आपको डॉगी के पैरों के छाप यहाँ पर बनानी है, ड्राइंग करनी. ओके, मेक द फुटप्रिंट ऑफ योर फ्रेंड ऑन द फ्लोर, इट इज सिमिलर देन योर्स, है ना. अब आपको क्या करना है, आपके किसी ऐसे फ्रेंड की फुटप्रिंट बनानी है जिसके फुटप्रिंट और आपके फुटप्रिंट लगभग लगभग क्या हो, बराबर हो. जैसे कि हम जब चप्पल खरीदने जाते हैं, शूज खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार हमें पूछता है कौन से नंबर की चप्पल चाहिए, कितने साल का बच्चा है, उसकी हाइट कितनी है. कोई कोई बच्चे होते हैं 8-10 साल के होते हैं पर बहुत कमजोर होते हैं, उनके पैरों के साइज छोटी होती है ना. कुछ ऐसे होते हैं 3-4 साल में बहुत बड़े बड़े लगने लगते हैं. तो वो क्या करता है, दुकानदार पैरों के नंबर के हिसाब से हमें जूते और चप्पल देता है. तो वैसे ही आपको क्या करना है, एक पेपर पे आपके और आपके फ्रेंड लगता होगा कि हाँ मेरे में भी 7 नंबर की चप्पल आती है, उसके में भी, तो उतने या 4 नंबर की, जो भी एक्स वाई जेड आपके नंबर्स होंगे, तो आप दोनों को अपने अपने फुटप्रिंट उस पेपर पे छाप लें. ओके, ट्रैक एंड गैस. रॉन इज टैकिंग अ लीफ, यू आल्सो कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स लाइक लीव्स,
टेबल्स स्टिक एंड बैंकर्स बिंदी स्ट्रेस विच थिंग्स हियर। ये रॉन है। रॉन क्या कर रहा है, बहुत सारे अलग अलग लीफ को कलेक्ट किया है और उसकी क्या कर रहा है, ट्रेसिंग कर रहा है, उसकी क्या कर रहा है, पेपर पे छाप कर रहा है। जैसे वाटर कलर ले लिए, कुछ भी कलर लेकर पत्तियों पे लगा के उसको पेपर पे छाप रहा है। तो आपको भी क्या करना है, अलग अलग चीज़ें लेनी है, जैसे पेपर्स स्टिक बैंकर्स बिंदी है ना, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, स्टिक होते हैं, माचिस स्टिक हो गई या लंबे स्टिक, जो भी चूड़ियाँ हो गई, बिंदीज हो गए, इनको यहाँ पर आपको क्या करना है, पैस करना है। ओके, चलिए आगे देखिए। रूही मेड टू डिफरेंट ट्रेस ऑफ द सम बाउल। रूही जो है वो उसने दो बाउल लिए हैं और दोनों से क्या बना रही है, अलग अलग छाप बना रही है। हाउ डिड रूही कीप द बाउल टू गेट टू डिफरेंट ट्रेस फ्रॉम इट, है ना। अब ये रूही ने कैसे बनाया है अलग अलग टाइप से दो गोले को, तो आप देख सकते हो एक ही बाउल को उसने एक बार उल्टा करके रखा है ना, और एक बार सीधा किया, एक बार उल्टा किया। तो जब हम जो कटोरी होती है उसको जब हम सीधा रखते हैं तो उसके नीचे जो तलिया होता है ना, वो बहुत छोटी आकृति का होता है, लेकिन जब हम कटोरी को उल्टा रखते हैं तो उसका जो मुंह खुला हुआ होता है बाउल का, वो क्या होता है, बड़ी आकृति का होता है। लुक फॉर अदर थिंग्स लाइक रूही बाउल विच कैन गिव मैनी डिफरेंट डेज, है ना। अब देखिए कि रूही ने एक ही बाउल से कैसे दो अलग अलग तरीके से क्या किया है, साइज पर अलग अलग आकृति बना दिए। और आप भी देखिए कि आप बना सकते हो ऐसा रूही की तरह, या अलग साइज का और बड़ा बाउल लेकर, छोटा बाउल लेकर, अलग अलग साइज की अलग अलग चीज़ों की आप क्या कर सकते हो, ड्रेसिंग कर सकते हो। ओके, डू एट होम ऑन अ न्यूज़पेपर ट्रेस द हैंड्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन योर फैमिली। आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर लेना है और अपने फैमिली के प्रत्येक मेंबर के ऐसे हैंड्स की छाप लेनी, किसकी कितनी है, कैसे है ना। आस्क योर फ्रेंड टू गेस विद दिस विच ट्रेसेस ऑफ योर हैंड्स, और आपके दोस्तों को कहना है कि गेस करो कि इसमें कौन सा हैंड्स का प्रिंट है, वो मेरा है। योर मदर फादर एंड इस, और आपके मम्मी का कौन सा, आपके पापा का कौन सा है ना। ये एक गेम हो जाएगा, हम इस तरीके से पेपर पर प्रिंट निकालते हैं, ओके, और कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद सभी छाप को अलग अलग रख देते हैं न्यूज़पेपर की, और अपने फ्रेंड्स को कहेंगे कि इन छापों में से कौन सा मेरा है, कौन सा मेरी मम्मी का है, कौन सा मेरे पापा का है। रीड एंड ड्रा, पढ़िए और ड्रॉ कीजिए। तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन अ चेयर। तमन्ना और उसकी जो मम्मी है वो दोनों किस पे बैठी है, चेयर पर। तमन्ना इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, और तमन्ना क्या कर रही है, स्टोरी बुक रीड कर रही है। हर मदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, और उसकी मम्मी क्या कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ टेबल, और तमन्ना है जो उसकी मम्मी के अपोजिट साइड पे टेबल पे बैठी हुई है। ड्रा द मिसिंग थिंग्स इन द पिक्चर, और आपको जो चीज़ें मिसिंग है वो क्या करनी है, यहाँ पर पिक्चराइज करनी। आप देखिए तमन्ना ऐसे बुक पढ़ रही, तो यहाँ पर बुक नहीं थी उसके हाथ में, उसकी मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, इधर चेयर है ना, और उसकी जो चेयर होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ, तो वो आपको ड्रॉ करनी है। ओके, चलिए आगे देखिए। मोर फन विथ ट्रेस, आप मस्ती करते हैं और ट्रेस करते हैं। ओके, कलेक्ट सम थिंग्स सच अ पोटैटो, अ बॉटल कैप, अ मैच बॉक्स कवर, अ शॉर्पनर, एन इरेजर, अ स्पून, अ बस टिकट, अ कॉइंस, अ स्ट्रॉ। यू कैन ऑल्सो ब्रिंग्स अदर थिंग्स। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करने को कही जा रही है। एक आलू है, एक पानी की बॉटल है, एक कैप है, मैच बॉक्स है, कवर पेपर है ना, मैच बॉक्स कवर, शॉर्पनर है, इरेजर है, एक चम्मच है, और बस की टिकट और कॉइन्स मतलब सिक्का, वो आपको कलेक्ट करनी है। ट्रेस इज दिस, आस्क योर फ्रेंड टू गेस, और आपको क्या करना है, उसको यहाँ पर ट्रेस करना है और पूछना है, एक नोटबुक ले लेनी है, उसमें ट्रेस करना है और आपको पूछना है ये किसकी पिक्चर है, बॉटल की है कि पोटैटो की है कि इरेजर की है कि शॉर्पनर के, ये उसको पूछना है।
ओके। जैसे यहाँ पर देखिए आलू जो होता है ये गोल होता है ना, ओके। जो आपका इरेजर होगा, इरेजर कैसा होगा, आपका रेक्टेंगल शेप में होता है। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ चीज़ें बनानी है यहाँ पर और उसको मैच करना है और अपने दोस्तों को पूछना। चलिए आगे देखते हैं। लुक एट द शेप ऑफ ईच ट्रेस यू हैव मेड, है ना। यहाँ पर आप जो शेप्स देख रहे हो उससे आपको क्या करना है, ट्रेस करना है, बनाना है। सी इफ इट लुक लाइक एनी ऑफ द शेप गिवन हर, राइट द नेम्स ऑफ दिस थिंग्स बिलो द शेप। अब आपको यहाँ पर एक क्या करना है, आपको बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर देखिए कुछ ट्रेस दिए गए हैं आपको। देखिए ये सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है और ओवल है। तो ये शेप्स की कौन कौन सी चीज़ें आपके पास है, तो पहले तो आप इन शेप्स को यहाँ बना दीजिए, ओके। फिर कौन कौन सी शेप की कितनी चीज़ें आपके पास है या कितनी चीज़ें आपने देखी है, उसके यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं, ओके। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपने ऐसी कौन कौन सी चीज़ देखी है। सपोज़ कि ये है ना, तो आप ये सोच लीजिए कि ट्रायंगल शेप में कभी हमारी मम्मी पराठा बना देती है। ट्रायंगल शेप में आप देखिएगा क्या बोलते हैं, आपका जो तिरंगा मंदिर का जो झंडा होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है। तो वो सब आप यहाँ पर, सर्कल में आपकी मम्मी की चूड़ियाँ हैं, है ना, टिफिन बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके नाम यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तरानी शेप्स, यहाँ पर शेप्स कुछ दिए गए हैं, यहाँ पर डिज़ाइन दी गई है, ठीक है। आप देखिए तरानी मैड आ पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप, तरानी ने एक शेप्स का यूज़ करके डिफरेंट शेप रेडी किया है, तो आपको करना क्या है। अब देखिए लिखा है लुक एट तरानी पिक्चर एंड टेल, आपको इस पिक्चर में कौन कौन सी कितनी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो हाउ मैनी ट्राइंगल्स, तो चलिए देखते हैं ट्राइंगल्स कितने हैं, ओके। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कितना है 29, ओके। तो देखिए यहाँ पर सेव कितने हुए 31, फिर से एक बार काउंटिंग कर 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. तो ये कितने सेफ हुए 32। स्क्वायर कितने हैं, तो देखते हैं स्क्वायर कितने हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 7 और ये 8 और ये 9, कितने हुए हमारे पास स्क्वायर 9, तो मैंने कितना लिखा है 9। अब जो ट्रायंगल है वो कितने शेप है, तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल का शेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हैं 7, ओके। और जो सर्कल है, सर्कल कितना है देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ओके और ये फिर से काउंटिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
फोर, कितने सेंक हुए हमारे पास 24, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 24, कितना लिखे हमने 24, ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। नाउ यू मेक योर ओन पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप लाइन। अब आपको क्या करना है, ये चारों शेप का यूज करके आपको भी कुछ डिफरेंट पिक्चर बनाना है। फिर सेकंड में मैप आ ड्राइंग यूजिंग ओनली फॉर ओनली रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ओनली फॉर ओनली रेक्टेंगल का यूज करके जैसे कि आप ट्रेन बना सकते हो, है ना, तो ओनली फॉर ओनली आप कैसे बनाओगे वो ट्रेन का शेप या गाड़ी का शेप, जो भी एक्स वाई जेड क्या बनाना चाहते हो, ये आपको यहाँ पर होमवर्क दिया गया है। ड्राइंग ड्रेसिंग आप बिसानी, है ना, तो जो बिसानी है वो ड्रेसिंग करी हुई है, देखते हैं। बिसानी वांट टू ड्रेस अप फॉर आर डांस। बिसानी जो है वो ड्रेस अप कर रही है अपने डांस के लिए। यूज डिफरेंट शेप इन द बॉक्स एंड ड्रॉ ज्वेलरी ऑन हर। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप से उसकी जो ज्वेलरी बनाई गई है वो दिखाई दे रही है आपको, तो क्या करना है चलिए देखते हैं, है ना। आपको देखिए यहाँ पर अलग अलग शेप्स में देखिए, ये सर्कल है, स्क्वायर है, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, तो अलग अलग शेप्स से यहाँ पर उसकी ज्वेलरी बनाई गई है। आपको क्या करना है, आपको कौन सी ज्वेलरी यहाँ पर पसंद है वो आपको किसको पहनानी है, बिसानी को। जैसे ये इसके साथ इयर रिंग आप मैच करवा सकते हो, है ना, ये आपको बैंगल्स अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन के साथ ग्रीन बैंगल पहना सकते हो, या इस टाइप का आपको इयर रिंग पहनाना है ये सर्कल वाले के साथ, और इस टाइप के कड़े पहनाने उसके हाथ में, तो ये आप डिजाइन यहाँ पर बना सकते हो, ओके। चलिए आगे देखते हैं, सेप्स एंड फेस। अब आपको क्या करना है, सेप्स में क्या करना है, जो फेस दिए गए हैं इसमें सेप रेडी करनी। ड्रॉ ग्लासेस ऑफ सेप ऑन द फर्स्ट फेस। आपको जो ये लड़की है उसका चश्मा को कैसे बनाना है, रेक्टेंगल शेप में कैसे बनाना है, रेक्टेंगल शेप में। ड्रा आ मुस्टेच ऑफ शेप्स ऑन द सेकंड फेस। और ये जो सेकंड फेस है इसमें आपको क्या बनाना है, दो ऐसे जोड़ के ट्राइंगल का मुस्टेच बनाने, मतलब मूछे बनानी है। ड्रा आ सर्कल माउथ ऑफ द थर्ड फेस। थर्ड फेस में आपको सर्कल का डिजाइन करके क्या बनाना है, माउथ बनाना है। ड्रा आ स्क्वायर शेप फेस इज द लास्ट पिक्चर। और लास्ट पिक्चर में स्क्वायर का यूज करके आपको क्या बनाना है, उसका फेस बनाना है। तो जिस तरीके से मैंने बनाया है आपको भी वैसे ही रेडी करना है, ओके। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 6 फिनिश होता है। फुटप्रिंट आपको भी अलग अलग शेप्स के नाम रेडी करने हैं, ओके, जो मैं आपको होमवर्क में भेजूंगी। थैंक यू।